देखिए, जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, कि चाहे वो किसी भी तरह का स्पोर्ट्स हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, रेसलिंग हो, तो उसमें नी के लिगामेंट की इंजरीज काफ़ी कॉमन पाई जाती है। और वो तब होती है जब हमारे स्पोर्ट्स खेलते समय हमारी जो फुट की लैंडिंग गलत हो जाए और हमारा पूरा बॉडी वेट हमारे नी को ट्विस्ट कर दे। इस वजह से हमारे लिगामेंट में इंजरी हो जाती है, नी के लिगामेंट में। जो मोस्ट कॉमन इंजरी नी के लिगामेंट में देखी गई है, उसको बोलते हैं ACL टियर, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी। जब ये इंजरी हो जाती है खिलाड़ी को, तो इंजरी के तुरंत बाद उसे काफ़ी दर्द महसूस होता है अपने घुटने में, और उसका घुटना सूज जाता है आधे घंटे के अंदर, किसी का 15 मिनट के अंदर, और वो सूजन हमारी धीरे धीरे 2 से 3 दिन में कम हो जाती है। जो दर्द हो रहा है वो भी धीरे 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 घुटने में कम हो जाएगा। पर अगर आपको पूरी कंप्लीट लिगामेंट इंजरी हुई है, तो कुछ तरह के सिम्टम्स हमें हमेशा आते रहेंगे नी के अंदर। वो इस प्रकार हैं, जैसे कि घुटने में लचक आना, घुटने में कॉन्फिडेंस नहीं होना, आप तेज़ नहीं भाग पाएंगे, आपको लगेगा कि आपके घुटने में लचक आ रही है और वो फिसल रहा है, घुटना बार बार में ट्विस्ट भी हो सकता है। अगर लिगामेंट इंजरी के साथ साथ आपके मेनिस्कस में भी इंजरी है, जो कि नी के बीच वाली गद्दी होती है, तो आपका को दर्द का भी फीलिंग आ सकती है, साथ साथ में आपका घुटना अटक सकता है। साथ में कभी कभी ऐसा भी होता है कि घुटना पूरा बैंड नहीं हो रहा या पूरा सीधा नहीं हो रहा। ये कुछ तरह के सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें मालूम पड़ता है कि आपको लिगामेंट की इंजरी हो गई है। अब एक बार लिगामेंट की इंजरी हो गई तो उसको डायग्नोज कैसे करें? सबसे पहले आपको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, जो कि स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर स्पेशलाइज्ड है, उससे मिलना चाहिए। और हो सकता है अगर उन डॉक्टर साहब को लगेगा तो वो आपका नी का MRI कराएंगे। MRI के अंदर हमें सारी चीज़ें काफ़ी क्लियरली मालूम पड़ जाती है कि आपके लिगामेंट में कौन सी इंजरी है, किस ग्रेड की इंजरी है और कौन से लिगामेंट की इंजरी है। नी के अंदर भी 4 लिगामेंट रहते हैं मेन, उसके अलावा और छोटे छोटे बहुत सारे लिगामेंट रहते हैं, पर 4 बहुत मेन रहते हैं। और साथ में मेनिस्कस या कोई और भी इंजरी है या नहीं है। मेट्रो सिटी में इंडिया जेनेरिक द हेल्थ केयर टुडे थर्मल पावर प्लांट, यहाँ की मिट्टी और जागरूकता सबसे बड़ी जरूरत है। आप बीमार? द हेल्थ केयर टुडे एक नेविगेटर की तरह काम करता है, जो मरीज को कम पैसे में बेहतर इलाज कहाँ कर सके, इसके लिए एक रास्ता भी करता है। हेल्थ केयर टुडे तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एक ऐसी चैनल बनी जो हेल्थ के ऊपर पूरा कंसंट्रेट कर रही है, कि इसके अंदर और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। हेल्थ केयर टुडे देश के लोगों के आरोग्य के लिए जन जागरण का और हेल्थ की जानकारी लोगों तक ले जाने का बहुत बढ़िया काम कर रहा है। I want to applaud the healthcare today for doing excellent job in providing healthcare services to patients who are in need and also providing networks for the hospitals and doctors. Congratulations for a job well done. जैसे कि मैंने बताया कि लिगामेंट की इंजरी में क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। जब हमारा लिगामेंट का काम क्या रहता है, हमारे लिगामेंट का काम रहता है हमारे दोनों नी को आपस में पकड़ के रहना। जब मेरा लिगामेंट टूट जाता है, किसी पेशेंट का लिगामेंट टूट जाता है, तो उसमें लचक आती है। लचक में जो माइक्रो मूवमेंट मेरे नी में क्रिएट होते हैं, वो मेरे नी को 20 साल के अंदर बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। वो नी वैसा हो जाता है जैसे कि किसी 60 या 70 ईयर ओल्ड पेशेंट का नी होता है। जब हमारा नी खराब होता है, उसका कार्टिलेज पूरा घिस जाता है, तब उसका इलाज सिर्फ एक ही बचता है, वो है नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी। तो इन सब से बचने के लिए हमें लिगामेंट की इंजरी का पता लगाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बहुत सारी एक्सरसाइजेज आती है, हर स्पोर्ट्स के हिसाब से उसकी अलग एक्सरसाइजेज होती है, जो हमारे लिगामेंट को इंजरी को बचाती है। वो एक्सरसाइजेज हमारे बॉडी को ट्रेन करती है कि जब हम अपना पर्टिकुलर स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो मेरे जो पैर की लैंडिंग स्पोर्ट्स खेलते समय बिल्कुल एक्यूरेट हो और मेरे मसल्स का कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा हो कि मेरी बॉडी ट्विस्ट नहीं करे मेरे पैर के ऊपर। इस तरह की इंजरी प्रिवेंशन एक्सरसाइजेस हमेशा स्पोर्ट्स से पहले करनी चाहिए, और जो लोग ये एक्सरसाइजेस करते हैं उनके लिगामेंट टूटने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। यदि लिगामेंट इंजरी हो जाता है और आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको डॉक्टर से सलाह लेनी है। अगर डॉक्टर को लगता है तो वो आपकी MRI सजेस्ट करता है, और MRI में अगर लिगामेंट टूटा हुआ आता है तो आजकल इसके लिए दूरबीन से सर्जरी होती है। दूरबीन की सर्जरी में रिहेबिलिटेशन बहुत फास्ट होता है, आपको ज़्यादा पेन का भी महसूस नहीं पड़ता, ब्लड लॉस भी बहुत कम होता है, और आप सर्जरी के अगले दिन से ही चलने लगते हैं। और
सबसे लेटेस्ट टेक्निक है जिसको बोलते हैं ऑल इनसाइड ACL रिकंस्ट्रक्शन विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग। ये और भी एडवांस्ड है, ये स्क्रूज से भी और एडवांस लेवल की सर्जिकल टेक्निक है जिसके अंदर हम खिलाड़ी को 3 महीने के अंदर वापस गेम के अंदर खेलने के लिए भेज देते हैं। रनिंग एंड गेम आपका 3 महीने में रिज्यूम हो जाता है। वही जब हम पहले स्क्रू डालते थे उसमें 7 से 8 महीने लगते थे। साथ में ये सर्जरी में दर्द बिल्कुल कम होता है ऑपरेशन के बाद, क्योंकि उसमें बहुत ही छोटे छोटे छेद होते हैं हड्डियों के अंदर।